हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं डिजिटल प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, ये 2 BHK के फ्लैट्स हैं। अभी ये नया कंस्ट्रक्शन हुआ है इनका और अभी भी इसमें इसमें 9 फ्लैट थे, तो अभी भी इसमें चार पांच फ्लैट अभी भी बचे हुए हैं। इसमें आपको डबल साइड वाले फ्लैट भी अवेलेबल हैं अभी, तो अगर आप जल्दी कोशिश करेंगे तो आप इसे बाय कर सकते हैं। इन जो फ्लैट का जो एरिया आ रहा है, ये 1150 स्क्वायर फीट में अभी बने हुए हैं और इसमें आपको स्टील पार्किंग मिल रहा है। इसके जो रूम का साइज आ रहा है वो 12x11 के हैं और जो इसका हॉल है, हॉल का साइज काफी अच्छा है। और जो डबल साइड ओपन है जो फ्लैट्स, उनमें आपको 2 साइड बालकनी मिल रही है। इसमें आपको फुल्ली मॉडर्न किचन मिलेगा और इसमें आपको एक स्लाइडिंग वाली वार्डरोब भी दिया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये है कैसा। पर वीडियो स्टार्ट करने से एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर हमारे पर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट पर जरूर चेक करवाएं, जिससे आप प्रॉपर्टी में होने वाले फ्रॉड से बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका पूरा पार्किंग एरिया है, देख सकते हैं कितनी काफी बड़ी पार्किंग दे रखी है इसमें। और गाड़ियों को अंदर एंटर करने के लिए 4 गेट लगे हुए हैं, 2 25 फुट रोड से हैं और 2 गेट 30 फुट की रोड से। ये फ्लैट का मेन एंट्रेंस है, देख सकते हैं इसके दरवाजे पे कितना अच्छा काम किया गया। 10 फीट की हाइट पर है, अंदर से देख लेते हैं। ये पूरा इसका हॉल है, सीलिंग में काफी अच्छा वर्क किया हुआ है इसमें। इसके साथ ही अटैच एक टॉयलेट है, जो अगर जब गेस्ट आएंगे तो गेस्ट इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हॉल के साथ ही अटैच है। ये देख सकते हैं हॉल में एक कितना बड़ा टीवी कैबिनेट लगा हुआ है। स्लाइडिंग वाले दरवाजा लगा हुआ है जो इसकी 25 फीट की रोड की तरफ खुल रहा है। ये बालकनी दी हुई है इसमें। अब इसका किचन देख लेते हैं, देख सकते हैं इसका किचन काफी बड़ा है साइज में। इस पे भी पूरा सीलिंग का वर्क किया गया है। ये स्टोरेज करने के लिए काफी बड़ी इस पे एक अलमारी दी हुई है, देख सकते हैं पूरा साइज। इस पे काफी स्टोरेज का सामान रखा जा सकता है आपका, ग्रोसरी का। इसमें आपको विंडो भी मिल रहा है तो वेंटिलेशन को कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एग्जॉस्ट और चिमनी के पाइप के लिए ये होल दिए हुए हैं इसमें। इसका रूम देख लेते हैं, रूम में भी पूरा सीलिंग का काफी अच्छा वर्क है। 12x11 का कमरा है और ये इस पे भी बालकनी दी हुई है जो 30 फीट की रोड के ऊपर खुलती है। ये इसका सेकंड बेडरूम है, इस पे भी सीलिंग का वर्क है। इसमें एक स्लाइडिंग का वार्डरोब दिया हुआ है। और इसके साथ एक टॉयलेट अटैच है, ये देख सकते हैं ये टॉयलेट है। इसमें विंडो लगा हुआ है, वेंटिलेशन का दिक्कत यहाँ पे भी नहीं आएगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर जो डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन नजर आ रहा होगा आपको, तो आप हमें कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपॉइंटमेंट लेके ही आए, क्योंकि आप कभी अचानक आ जाते तो उससे हमें टाइम मैनेज करने में काफी दिक्कत आती है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।